एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स सीक्रेट्स। गाइस, मैं आपके साथ ये न्यू मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो। गाइस, ये सॉफ्ट पिंक आइज मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, चलते मेरी वीडियो की तरफ और देखते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया। तो गाइस, यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का फेस टोनर यूज़ किया है, कोकुम्बर वाला। इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद मैं डर्माडोग का ये डैमेज रिकवरी वाला सीरम यूज़ करूँगी। इस सीरम को मैं एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा है स्किन के लिए, आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है। तो गाइस, उसके बाद मैं इसको अपनी स्किन में डैब डैब करके उठा लूँगी। फिर प्राइमर के लिए मैं NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपने टी जोन एरिया पे लगा लूँगी, ओपन पोर्स के, ताकि ओपन पोर्स हैं जो वो फिल हो जाएं। उसके बाद मैं ये अपनी हाफ एंड हाफ की आईब्रो पेंसिल लेके अपने आईब्रो को फिल करूँगी। फिर उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लेके उसको अपने आईज़ को उससे कंसील कर लूँगी। इसमें मेरा शेड है आईज़ लाइट। फिर मैं आई शेडो के लिए स्विस ब्यूटी का आई शेडो ले रही हूँ। 12 कलर वाला आई शेडो है। इसमें मैं दोनों लाइट कलर्स को मिक्स करके ट्रांजिशन कलर बना करके क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करूँगी। फिर मैं ये पिंक कलर लेके हल्के हल्के जेंटली इसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के, डार्क नहीं करना है। फिर मैं ये हाफ एंड हाफ का ये हाईलाइटर पैलेट है, इसमें अलग अलग रंग के हाईलाइटर है, ब्राउन्स है, पिंक है, सिल्वर है। तो मैं इसमें बेबी पिंक हाईलाइटर लेके वो जो मैंने पिंक आई शेडो लगाया था उसके नीचे लगा लूँगी। फिर ये हिलोरी रोडा का गाइस ग्लिटर लाइनर है पिंक शेड वाला, उसको मैं इसके सेंटर में प्लेस करूँगी। उसके बाद लाइनर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का मेटेलिक लाइनर ले रही हूँ, इससे मैं लाइनर ड्रॉ करूँगी। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ। इसमें मेरा शेड 220 है, नेचुरल वे 220। इसको मैं ब्रश की हेल्प से डैब डैब करके लगाऊँगी, क्योंकि ब्रश से फुल कवरेज मिलता है, स्पंज से आपको फुल कवरेज नहीं मिलेगा। तो मैं ब्रश की हेल्प से इसको डैब डैब करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं वही वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लेके अपने अंडर आई को कंसील कर लूँगी, हाई पॉइंट्स को भी कंसील करूँगी। उसके बाद मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, SPF 40 वाला। उससे मैं अपने अंडर आई को सेट कर लूँगी, अपने मेकअप को भी पूरे को सेट कर लूँगी। ब्राउज़र के लिए मैं उसी पैलेट में ब्राउन शेड ले रही हूँ और उससे कॉन्टोरिंग कर लूँगी। नोज़ को भी कॉन्टोर कर लेंगे। ब्लशर के लिए भी उसी पैलेट में पिंक शेड ले रही हूँ, डैब डैब करके अपने फेस पे लगा लेंगे लाइट कलर। बिल्कुल डार्क नहीं लगाना है, क्योंकि फिर उसको ब्लेंड करना उसको मुश्किल हो जाता है। लाइट से स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। फिर हाइलाइटर के लिए मार्स का हाइलाइटर ले रही हूँ, ये पिंक हाईलाइट पिंक शेड में है। ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा लगता है, इसका फिंगर की हेल्प से लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ब्रश से उतना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं किस ब्यूटी की पिंक शेड वाली लिपस्टिक लेके हल्का शेड लगा के फिंगर की हेल्प से उसको ग्लाइड कर लूँगी। फिर लैक्मे एब्सोल्यूट की ये पीच एंड शाइन वाली लिप ग्लॉस लेके अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। फिर गाइस, मैंने ऑफलाइन अपनी आईलैश लगा ली थी, फिर मैं मेबेलिन का मस्कारा लेके अपने ओरिजिनल लैशेस को फेक लैशेस में कोट कर लूँगी। फिर मैं अपनी लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को भी हाईलाइट करूँगी, अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेंगे। इसके
उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लेके अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लगे। अगर आप कोई और मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सा मेकअप लुक देखना चाहते हैं गाइस।